स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। मेरा नाम है रोहित और आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो गाइस, आज की ये वीडियो आपके लिए किस लिए इंपॉर्टेंट है आपने थंबनेल देखकर पता कर ही लिया होगा। जैसा कि गाइस मैं बता देता हूँ, आज के दिनों में और आज के भीषण गर्मियों में आप एक नया एसी परचेस करते हैं या फिर एक पुराना एसी आपके घर में लगा हुआ है तो उनमें 5-6 महीनों में ही तो गाइज उसमें मामूली सी बात हो चुकी होती है कि कूलिंग प्रॉब्लम हो जाता है। 1 महीने के बाद कूलिंग नहीं हो रहा है तो 5 महीने एसी चला लिया, नया एसी है, इतना महंगा एसी लेकर क्यों कूलिंग नहीं हो रहा, क्या क्या प्रॉब्लम आ जाती है। आज की इस वीडियो में पूरा सॉल्यूशन जानेंगे और इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और सारे विचार अपने प्रकट करेंगे। देखिए गाइज, 2 साल हो चुके हैं अपने ब्लू स्टार में काम करते हुए, तो गाइज आज की इस वीडियो में उन सारे टॉपिक्स के बारे में बताऊँगा कि 1 से 5 साल के बीच वाले एसी कूलिंग करना क्यों अचानक बंद कर देते हैं और उसमें क्या प्रॉब्लम हो जाती है या फिर प्रॉब्लम नहीं भी होती है तो क्यों कूलिंग नहीं करता। तो चलिए शुरू करता हूँ। देखिए गाइस, सबसे पहला प्रॉब्लम तो आप 10 मिनट 15 मिनट चला कर कहते हैं कि कूलिंग प्रॉब्लम हो रहा है, कूलिंग नहीं हो रहा, तो ये सबसे बड़ी भूल है क्योंकि आपने एसी को लगभग आधा घंटा से ऊपर चलाना है। अगर आधा घंटा से भी चला लिया और कूलिंग नहीं हो रहा तो ये आपके लिए एक समस्या है और इस समस्या में कोई भी समस्या नहीं हो सकती और कुछ समस्या हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि रिमोट से कुछ ऐसे सेटिंग होते हैं जो लगभग आधे घंटे के लिए भी कूलिंग नहीं करते। सबसे पहले तो मूड का बटन होता है, मूड के बटन से कूल मोड कर लीजिए। अगर फिर भी नहीं होता है तो कुछ अन्य प्रॉब्लम हो सकते हैं। मान लीजिए आपने एसी को हाई कूलिंग में रख दिया और ब्लोअर फैन स्पीड को स्लो पे रखा है, तो भी स्लो पे रखा है तो ब्लोअर फैन स्लो हवा देगा जिससे आपका रूम कूलिंग नहीं होगा। और दूसरा प्रॉब्लम यह है कि वेंटिलेटर आदि खिड़की ये सब खुला रहने से भी कूलिंग नहीं होता है। और आज के ज़माने में इन्वर्टर एसी का बात ही अलग है। इन्वर्टर एसी में आउटडोर में पीसीबी लगे होते हैं और उस पीसीबी के ख़राब हो जाने के कारण भी कूलिंग में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि पीसीबी ख़राब हो जाने के बाद ही कुछ भी आपका डिवाइस, कोई भी स्पेयर पार्ट्स, कंप्रेसर वगैरह, इन्वर्टर कंप्रेसर, BLDC फैन कुछ भी नहीं चलता आपके आउटडोर में, जिसके कारण कूलिंग बनी रहती है और आप परेशान रहते हैं। आज के नए दौर में जो इन्वर्टर एसी होते हैं उसमें बहुत ही ख़तरनाक परिस्थिति हो सकती है पीसीबी ख़राब हो जाने के कारण। लगभग भीषण गर्मी में आपको पीसीबी जल्द ना मिले, वारंटी हो फिर भी अगर जल्दी मिल भी जाती है तो जल्दी आपको सुविधा सर्विस भी नहीं मिल पाती है सर्विस सेंटर से। तो ये वीडियोज़ आपको कैसे लगा है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जो कूलिंग मैंने लिखा है थंबनेल में सॉल्व, तो मैंने ये कुछ थॉट्स बताए आपने कि इसमें कूलिंग रिलेटेड क्या क्या समस्या आ जाती है। मैं बता देना चाहता हूँ कि जो नॉन इन्वर्टर एसी होते हैं उसमें भी क्या क्या प्रॉब्लम होती है और जो इसमें नॉन इन्वर्टर में जो प्रॉब्लम होती है वो जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि उसमें ना ही पीसीबी होती है और ना ही कोई किसी प्रकार का झंझट, क्योंकि नॉन इन्वर्टर एसी 220 वोल्ट से सारे स्पेयर पार्ट्स चल जाते हैं जो इम्पोर्टेंट्स होते हैं, जैसे कंप्रेसर फ़ैन, ब्लोअर फ़ैन इत्यादि। और कुछ में ब्लोअर फ़ैन डीसी करंट से चलते हैं तो उसे हम चेक नहीं कर पाते हैं नॉन इन्वर्टर में, लेकिन वो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं नॉन इन्वर्टर में। जो आउटडोर में होती है, जो प्रॉब्लम इन्वर्टर एसी में होते हैं इन्वर्टर एसी के आउटडोर में, उतना बड़ा प्रॉब्लम नॉन इन्वर्टर एसी के आउटडोर में नहीं होता है, जिसके कारण आपको नॉन इन्वर्टर आउटडोर से परेशानी नहीं होती और ना ही कूलिंग प्रॉब्लम होती है। तो ये वीडियोस आपको कैसा लगा है कमेंट में बताएं और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।